आप सभी लोग कमेंट कीजिए आवाज आ रही है कि नहीं। अगर आवाज आ रही है तो यस लिख दीजिए, ठीक है। आवाज आ रही है तो आप लोग यस लिख दीजिए, ताकि आज का क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आवाज आ रही है तो सभी लोग को गुड इवनिंग, ठीक है। सभी लोग को गुड इवनिंग। आप लोग को एक बता दें कि सर का जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, टाइम नहीं मिल पाया था उनको, तो इसीलिए आज उनके जगह हम क्लास ले रहे हैं। तो आज का क्लास जो है थोड़ा सा अलग होने वाला है, रिवीजन के तौर पे, ठीक है। जो भी पिछला पढ़ाई किया गया है तो ये रिवीजन के तौर पे आप लोगों का ये क्लास होगा, ठीक है। क्लास आप लोग जो है अच्छा से ध्यान से कीजिए, फिर अगला क्लास जो है सर आप लोगों को लेंगे। तो चलिए ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग सभी लोग आंसर दीजिए, क्योंकि ये सारी जितनी भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है वो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर से ज़रूर आंसर कीजिएगा। चलिए और इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है, यानी कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि वो व्यक्ति जो है स्वस्थ रहेगा, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किन कौन कौन सा जो कारक है वो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। तो देखिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट है टीकाकरण, ऑप्शन बी है संतुलित आहार और व्यक्तिगत स्वच्छता, और फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए आप लोगों को जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो आप लोगों को क्या बताते, तो वही टेक्निक इसमें आप लोग अपनाइए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ही ये टेक्निक अपनाना है, आप लोगों को हमेशा बताते। अगर पता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो सबका आंसर आने लगा है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी। और तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। देखिए हम लोग कभी भी जब हम लोग स्वस्थ रहना है तो टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी रोग को बचाने के लिए, किसी कोई भी रोग हम लोगों को ना हो तो उससे पहले हम लोगों को उस रोग के प्रति क्या होता है, हम लोगों को उस रोग के प्रति इम्यूनाइजेशन किया जाता है, ठीक है। वो इम्यूनाइजेशन किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हेपेटाइटिस बी ही हो गया, ठीक है। हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, जन्म के समय भी दिया जाता है, और फिर 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना पे दिया जाता है, ठीक है। जो कि पेंटा होता है ना, तो पेंटा में भी हेपेटाइटिस बी होता है, जो कि 1.5 मंथ, 2.5 मंथ, 3.5 मंथ का पे दिया जाता है। तो वो पेंटा भी उसमें दिया, सॉरी हेपेटाइटिस भी रहता है पेंटा में। तो एट बर्थ भी दिया जाता है, वो तो सिंगल केवल हेपेटाइटिस बी, और 1.5 मंथ पे पेंटा में भी हेपेटाइटिस बी होता है तभी भी उसको हेपेटाइटिस बी, 2.5 मंथ पे भी और 3.5 मंथ पे भी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद हाँ हम लोग ये बात कर रहे थे टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए, किसी भी रोग से बचने के लिए उस रोग के प्रति हम लोगों को एंटीजन की ज़रूरत होता है, जो कि टीकाकरण के द्वारा हम लोगों को मिलता है, ताकि वो रोग नहीं हो, ठीक है। वो टीकाकरण के कारण ही हम लोग जो है उस रोग को जड़ से भगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग पोलियो देख लीजिए, या फिर आप लोग कोरोना देख लीजिए। कोरोना के समय क्या लगाया जाता था, टीका ही लगाया जाता था, ठीक है। तो किसी भी रोग से बचने के लिए जो पहले हम लोग अपने आप को प्रतिरक्षित करते हैं तो उसको हम लोग टीका कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी बीमारी हो जाती है उसके बाद जो हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग दवा बोलते हैं, ठीक है। तो दवा बीमारी होने के बाद उपचार किया जाता है, लेकिन टीकाकरण जो होता है बीमारी होने से पहले ही हम लोग अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, ताकि वो रोग जो है नहीं हो। संतुलित आहार तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। बैलेंस डाइट हम लोगों को लेते रहना चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो। संतुलित आहार वैसा आहार होता है जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे कोई भी विटामिन हो, ठीक है। वो संतुलित आहार में सब चीज़ से वो भरपूर होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है कि कितनी देर तक हम लोग हाथ धोना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो 20 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी लोग दीजिए, सभी लोग को इसका आंसर आना चाहिए, सही आंसर, ठीक है।
तो चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ रहा है 20 सेकेंड, जो कि बिल्कुल ही राइट आंसर होता है। ठीक है, तो हम लोगों को देखिए सिर्फ 20 सेकंड तक हाथ धोने से मतलब नहीं होता है, हाथ धोने की भी टेक्निक होती है, स्टेप होती है, जो इस स्टेप स्टेप को फॉलो हम लोगों को करना चाहिए। जब तक हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ 20 सेकंड तक हाथ रगड़ने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोगों को किस टेक्निक से हाथ धोना चाहिए, तो इसको हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए इसको जानने के लिए यहाँ पे आप लोगों के सामने एक फिगर लाए हुए हैं। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को कभी भी हाथ धोना चाहिए ना तो किहुनी तक धोना चाहिए। ठीक है, गीला करना चाहिए वहाँ तक पानी से। ठीक है, और गीला तो वहाँ तक करेंगे, लेकिन जो हम लोग जो भी अपना एंटीसेप्टिक साबुन कोई भी चीज़ लगा रहे हैं तो वो यहाँ पे रिस्ट तक ही लगाना चाहिए। ठीक है, ऐसे नॉर्मली जब हम लोग ऐसे हाथ धोते हैं, जैसे खाने के लिए या फिर जब भी वॉशरूम यूज करते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ तक, लेकिन गीला जो है हम लोगों को किहनी तक हाथ करना चाहिए पानी से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए, हैंड वॉश की ये स्टेप है। ठीक है, हैंड वॉश कैसे करेंगे कि हम लोग मानेंगे कि ये पूरा हम लोगों का हाथ जो है अच्छी तरह से धुल चुका है। तो सबसे पहले हम लोग जो है हाथ को पानी से, नॉर्मल पानी से हम लोग गीला करेंगे। ठीक है, गीला करने के बाद उसके बाद हम लोग साबुन या फिर डिटॉल कोई भी एंटीसेप्टिक लेंगे और हाथ को लेकर के और हाथ से हाथ उसको क्या करेंगे, रगड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग हाथ रगड़ के उसके बाद फिंगर, यहाँ पे दो नंबर आप लोग स्टेप देखिए, हाथ रगड़ने के बाद उसके जो बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 सेकेंड तक उसको करेंगे, हाथ को एक दूसरे से रगड़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो फिंगर दिख रहा है, फिंगर के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे ही हाथ को बस ऐसे ऐसे कर देते हैं तो समझते हैं हाथ धुल गया। ठीक है, तो वैसे नहीं होता है, ये उंगलियों के बीच और जो नाखून होता है उसके टिप पे बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसके बाद हाथ को रगड़ेंगे, उसके बाद जो बीच में फिंगर के बीच जो होता है गैप, उसमें हम लोग दोनों फिंगर को ऐसे क्रॉस करके, यहाँ पे आप लोग फिगर देखिए, इसीलिए फिगर लाए हैं ताकि ऐसे ऐसे बताते तो आप लोग को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो फिंगर को क्रॉस ऐसे करके दोनों फिंगर के बीच जो भी नीचे की तरफ ऐसे जो होता है उसमें हम लोग वहाँ पे साफ करेंगे। उसके बाद हम लोग पीछे भी हाथ के तरफ साफ करेंगे। यहाँ पे फिगर नंबर 3 में देखिए, बैक ऑफ हैंड, ठीक है, हाथ के पीछे भी हम लोग रगड़ेंगे। उसके बाद मेन आता है, देखिए हम लोगों का तो ये उंगली के गैप भी साफ़ हो गया। ठीक है, पिछला हाथ भी बारी बारी से दोनों जो हाथ का पीछे होता है उसको साफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का ये वाला हिस्सा बच जाता है, तो इसको हम लोग इसको भी साफ करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक ऐसे, देखिए आप लोग फिगर में आप लोग फील कीजिए, नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग ऐसे ऐसे करके और पूरा जो है अच्छी तरह से साफ करेंगे। उसके बाद बच जाता है हम लोगों का जो है फिंगर। ठीक है, फिंगर, बैक ऑफ फिंगर, फिंगर का जो पिछला होता है हिस्सा उसको भी साफ करेंगे। उसके बाद हम लोगों का फिंगर टिप्स बच जाता है, उसको भी यहाँ पे फिगर में देखिए कैसे साफ करेंगे। ठीक है, बारी बारी से दोनों हाथ को, एक हाथ पे पहले एक टिप को साफ करेंगे, उसके बाद दूसरे हाथ को ऐसे ही रिपीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है रिस्ट को साफ करेंगे, रिस्ट को भी साफ करेंगे, तो रिस्ट यानी कलाई। ठीक है, तो कलाई को जब भी साफ करेंगे तो इसको भी ऊपर से नीचे की तरफ ही हम लोग करते हैं। कभी भी आप लोग को कोई भी करना होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ ही हम लोग झाग को नीचे लाएंगे। ठीक है, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग जो है हाथ को नॉर्मल वाटर से धो लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग को पास अगर टाइम है तो एयर ड्राई करेंगे, हवा में सुखाएंगे, नहीं तो साफ़ तौलिए से हम लोग इसको साफ़ कर लेंगे। ठीक है,
तो आप लोग जो है आज टेक्निक सीख ली हाथ धोने का, तो इसी टेक्निक से आप लोग अब हमेशा हाथ धोइएगा। इस तरह से कभी भी हाथ धोना चाहिए, केवल ऐसे नॉर्मल पानी से हाथ धो लेने से ऐसे नहीं होता है, ठीक है, उसको अच्छा से साफ करने से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर बताइएगा। बीमारी के संचरण को रोकने के लिए एकमात्र सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, संचरण को रोकने के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स, केवल पानी से हाथ धोना और साबुन और हाथ से पानी से हाथ धोना, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए, ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा, सी होगा, डी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग समझिए क्या बोला जा रहा है, कि बीमारी को संचरण को रोकने के लिए, ठीक है, न कि बीमारी को रोकने के लिए, बीमारी को संचरण यानी जो बीमारी है एक से दूसरे में नहीं फैले या फिर कोई भी दूसरा बीमारी हम लोगों को नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए केवल हाथ जो है अभी पिछले थोड़ा देर में बताया, केवल पानी से हाथ धोने से नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स जो होता है ये होता है जब भी हम लोग को कोई बीमारी होता है तो उससे बचने के लिए, ना कि संचरण रोकने के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो सभी लोग को पता होगा, इसका सभी लोग का राइट आंसर आना चाहिए कि दांत को कितनी बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दिन में एक बार, दिन में दो बार, दिन में तीन बार, कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। चलिए इसका आंसर दिन में दो बार होता है, ठीक है। जब भी हम लोग सुबह उठते हैं तो खाना खाने से पहले एक बार ब्रश करना चाहिए, उसके बाद रात में खाना खाने के बाद एक बार ब्रश करके सोना चाहिए, दो बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग सभी लोग बताइए कौन कौन लोग दो बार ब्रश करते हैं। देखिए अभी तो ठंडी का दिन आ रहा है तो किसी को भी दो बार ब्रश करने का मन नहीं करेगा, फिर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं करना चाहिए, ठीक है। आंसर आएगा तो आप लोग दो ही बार टिक कीजिएगा, एक बार नहीं टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग का। अब जो है आप लोग बंद कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। चलिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कि अपने हाथों को धोने के बाद सुखाने का क्या कारण है? भाई अगर हम लोग हाथ सुखा रहे हैं तो आखिर उसका कारण क्या है? हम लोग बिना हाथ सुखाए भी गीले हाथों से भी काम कर सकते हैं या फिर खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ सुखा रहे हैं तो उसका मेन रीज़न क्या है, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो ये बताइए आखिर क्यों हम लोग सुखाते हैं, ताकि आप हर जगह पानी न टपकाए, क्योंकि गीले हाथों से रोगाणु और जीवाणु आसानी से फैलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, कि गीले होने पर आपके हाथ फिसलन होते हैं और आप रसोई के बर्तन ठीक से नहीं पकड़ पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, कि उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारा क्या है ना, कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर बताइए कि क्या होगा, उसके बाद हम इसका राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होने वाला है, ज़्यादातर लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, आंसर फेल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि तुक्का हमेशा काम नहीं आता है, ठीक है। तो बिना जो है आप लोगों को हमेशा बोलते हैं, कभी भी आप लोग ऑप्शन पढ़िए, ठीक है, जब नहीं आए तभी तुक्का लगाइए, कि क्योंकि तुक्का हमेशा सही नहीं होता है 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बैक्टीरिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बैक्टीरिया गुणा करते हैं एवं गर्म वातावरण में तेजी से बढ़ता है। बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत है। हर प्रकार के जीवाणु लोगों को भोजन विषाक्तता दे सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है, भोजन को ठंडा करके आप बैक्टीरिया को मार सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग आंसर बताइए क्या होगा।
चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ज़्यादातर लोग का आंसर जो है ए ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किन का आ रहा है, दिव्या दिव्या मोहिनी काव्या रागिनी, इन सबों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर आ रहा है। संध्या का भी राइट आंसर आ रहा है ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बैक्टीरिया घुरा करते हैं गर्म वातावरण में तेजी से, ये बिल्कुल सही है। देखिए हम लोग फ्रिज का यूज करते हैं क्यों, आखिर क्यों उसमें खाना खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें होता है ठंडी वातावरण, और ठंडी वातावरण में जो भी बैक्टीरिया होता है उनका गुणन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हम लोगों का खाना खराब नहीं हो पाता है, या फिर जो भी सब्जियां हैं वो ताज़ी ही रहती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी है, बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, आप सभी को पता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, हर प्रकार के जीवाणु लोगों को भोजन विषाक्तता दे सकते हैं, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए दही में जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण ही दही जो है, लैक्टोबैसिलस क्या है, एक प्रकार की जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसी के कारण दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए जो है ये क्या होती है, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया होती है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हर प्रकार के जीवाणु, तो हर प्रकार के जीवाणु हमें विषाक्तता नहीं देते हैं, कोई जो है फ़ायदेमंद होता है और कोई जो है मतलब कि हम लोगों को नुकसान भी पहुँचाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। भोजन को ठंडा करके बैक्टीरिया मार सकते हैं, भोजन जैसे ही जैसे ठंडा होता है तो उसमें क्या होता है कि ठंडा जैसे जैसे होगा तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ते जाता है, ठीक है। ठंडी चीज़ों में बैक्टीरिया जो है कम गुणन करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सेवन, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। बैक्टीरिया को बढ़ने और गुणा करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पानी, ऑप्शन नंबर बी है भोजन, सी है गर्म तापमान और डी है कोई नहीं। तो इसका आप लोग आंसर बताइए, अभी इसका आंसर हम तुरंत बताए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गर्म तापमान, ठीक है। गर्म तापमान में क्या होता है कि गुणा बहुत तेज़ी से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप कैसे बता सकते हैं कि भोजन में खाद्य विषाक्तता पैदा करने के लिए पर्याप्त बैक्टीरिया है या नहीं, ठीक है। कैसे हम लोग बताएंगे कि भोजन जो है वो खाद्य विषाक्तता पैदा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं, है या नहीं, यानी कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि वो जो है खाना ख़राब हो चुका है या फिर उसमें बैक्टीरिया है नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यह गंध करेगा, आप नहीं कर सकते हैं, यह सामान्य दिखाई देगा, ठीक है। इसका एक अलग रंग होता है, इसका स्वाद अलग होता है होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, आप सभी लोग आंसर बताइए। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए हर चीज़ को गंध से हम लोग नहीं पता कर सकते, जो खाना है ये सब को हम लोग पता कर सकते हैं उसके गंध से, लेकिन हर चीज़ को गंध से पता नहीं कर सकते हैं कि वो उसमें बैक्टीरिया है कि क्या है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिन में कितनी बार दांतों में ब्रश करना चाहिए, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये पिछला ही रिपीट क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। चलिए और अगला क्वेश्चन 10 नंबर हम लोगों का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि जीवाणुओं का सबसे छोटा स्वरूप कहलाता है, यानी जीवाणुओं का जो सबसे छोटा स्वरूप है वो क्या कहलाता है, विब्रियो, कोक्सी, बेसिली और एस्पिरिला, ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग एक क्वेश्चन बताइए कि सबसे छोटी बैक्टीरिया को कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी बैक्टीरिया जो होती है वो कौन सी है। देखिए माइकोप्लाज्मा राइट आंसर है। माइकोप्लाज्मा जो है वो छोटी सबसे बैक्टीरिया होती है। ठीक है, देखिए ये जो कोक्ची होती है वो छोटी सबसे बैक्टीरिया नहीं होती है, ये एक आकार है। जैसे कि विब्रियो आकार, वेसली आकार, एस्पिरिला आकार, इन सभी आकार में बैक्टीरिया पाया जाता है। इन सभी आकार को जो है अलग अलग शेप होता है। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल नाम से विब्रियो, कोक्जी, वेसली, एस्पिरिला बोलते हैं। तो देखिए कोक्जी हम लोग जो है जितनी छोटी बैक्टीरिया होती है उसका आकार लगभग कोक्जी के आकार होता है। ठीक है, तो कोक्सी आखिर कैसा दिखता है। तो यहाँ पे देखिए कोक्जी और वेसली लगभग लगभग अंडाकार ही गोलाकार में ही शेप में रहता है। ठीक है, जो कोक्जी होता है उसका आकार जो है एक सेंटीमीटर नहीं, एक माइक्रोमीटर व्यास होता है। ठीक है, एक माइक्रोमीटर व्यास होता है कोक्जी, बहुत ही छोटी बैक्टीरिया है, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो विब्रियो होती है ना बैक्टीरिया, इसका आकार जो है चपटी छड़ी जैसा होता है। ठीक है, चपटी छड़ी। और एस्पिरिला जो होता है वो गोलाकार जो है लंबाकार बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार ये होता है एस्पिरिला। इसका आकार आप लोग याद रखिएगा, जीवाणु का आकार जो है वो पूछा जाता है कौन सा जीवाणु किस आकार में होता है। तो जो विब्रियो जो जीवाणु होता है, जिसके विब्रियो के अंदर जो जो जीवाणु आता है वो उसका आकार कैसा होता है, विब्रियो का चपटी जो छड़ी होती है उस टाइप का कोक्जी और बेसिली दोनों का अंडाकार गोलाकार होता है। ठीक है, एस्पिरिला का जो होता है वो बेलनाकार, ठीक है, सिलेंडाकार बोलिए या फिर बेलनाकार बोलिए, दोनों का बात बराबर है। तो उस टाइप का इन लोगों का आकार होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर बी है कंठमाल, और ऑप्शन नंबर सी है चेचक, और ऑप्शन नंबर डी है रेबीज। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का राइट आंसर, आप सभी बताइए कि जीवाणुओं द्वारा कौन सा रोग होता है। तो देखिए यहाँ पे जीवाणुओं द्वारा रोग ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरकुलोसिस, याद रखिएगा सही आंसर आप लोगों का हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा ट्यूबरकुलोसिस। इसको टीबी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, टीबी बोलते हैं। उसके बाद इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्षय रोग भी यहाँ पे कभी कभी देता है, तो क्षय रोग भी आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं कंठमाल, इसको घेंघा रोग को भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक हार्मोनल बीमारी है, ठीक है, हार्मोन की कमी से होता है। चेचक क्या होता है, वायरस के और रेबीज दोनों वायरस के कारण से होता है। ठीक है, रेबीज रेबडो वायरस के कारण से होता है, याद रखिएगा। रेबीज के टीका का खोज किसने किया था, आप लोग आंसर बताइए। लुईस पाश्चर राइट आंसर है, रेबीज के टीका का खोज लुईस पाश्चर। जॉन साल्क जो है वो पोलियो के टीका का खोज किए थे, ठीक है, और लुईस पाश्चर जो है वो रेबीज के टीका का खोज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एचआईवी का विस्तारित रूप यानी एचआईवी का फुल फॉर्म हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मानव प्रतिरक्षा वायरस, मानव प्रतिरक्षा कमी वायरस, मानव प्रतिरक्षा कमी वायरस, ये दोनों जो है ऑप्शन एक ही है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर आप लोग बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो बी और सी आर आंसर आए, तो बी या फिर सी बोलिए, राइट आंसर बी या सी दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया हुआ है दोनों में। देखिए एच आई वी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी और वायरस। तो डिफिशियंसी मतलब क्या होता है कि कमी, ह्यूमन मतलब हो जाएगा मानव, इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा, और डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी, और वी से वायरस हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हिंदी में लिख दिया हुआ है, आप लोग
ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव का सामान्य तापमान यहाँ पे फॉरेन हाइट में दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 40.5 डिग्री फॉरेन हाइट, 36.9 डिग्री फॉरेन हाइट, 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट और 82.4 डिग्री फॉरेन हाइट। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए सब लोग का आंसर आने भी लगा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट। ठीक है, अगर केल्विन में बोले तो 310 केल्विन याद रखिएगा, और डिग्री सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कभी कभी 37 डिग्री दे देता है, या फिर अगर पूरा ये विस्तार से पूछे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में ये होता है। ठीक है, तो आप लोग तीनों में याद रखिएगा, सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन, फॉरेन हाइट में तो 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट। अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए, ऐसे जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्लस में एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीनों को तीनों आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मनुष्य की सबसे मजबूत जो होती है मांसपेशियों, वो कौन सी मांसपेशियाँ होती है, कहाँ की मांसपेशियाँ सबसे मजबूत होती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। कलाई की होती है, उंगली की होती है, जबड़ा की होती है कि पैर की होती है। तो ठीक है, तो बताइए ऑप्शन क्या होगा इसमें आंसर। सी राइट आंसर होगा। ठीक है, जबड़े की जो मांसपेशियाँ होती है, जबड़ा जहाँ पे होता है वहाँ की मांसपेशियाँ सबसे मजबूत मांसपेशियाँ पाई जाती है मनुष्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि गंदे जल, भोजन, ये सारी चीज़ों से कौन सी बीमारियाँ होती है। तो इन्फ्लुएंजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर बी है छोटी चेचक, ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया और ऑप्शन नंबर डी है हैजा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आने लगा है सबका, जो कि ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, हैजा। ठीक है, तो हैजा और टाइफाइड जो होता है वो जो है दूसरे जल और भोजन करने से होता है। ठीक है, या फिर बिना ढकी हुई जो सब्जी होती है, खाना होता है, उसको खाने से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है मक्खियाँ बैठती रहती हैं, मक्खियाँ अपने पैरों में गंदगी कीटाणु लाए रहते हैं और वहाँ पे छोड़ देते हैं, जिसके कारण से जब वो भोजन हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि वो हम लोग जो है टाइफाइड हैजा जैसी बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पे चेचक वायरस से होता है, फ्लू भी वायरस से होता है, और मलेरिया जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ के कारण, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांतों का उपयोग भोजन पीसने के लिए किया जाता है, यानी पीसने यानी कि चबाने के लिए। आप लोग जो है जब भी भोजन को चबाना रहता है, जब भी हार्ड भोजन रहता है, ठीक है, उसको चबाना रहता है, तो आप लोग खुद से फील कीजिए और बताइए कि आखिर किस दांत का आप लोग प्रयोग करती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, डार, कृतंक, कैनाइन और दूध के दांत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूध का दांत तो सबसे पहले काट दीजिए, दूध का दांत कभी भी जो है हम लोग तो हमेशा के लिए यूज करते नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बच गया, कैनाइन, कृतंक और दांत। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट होगा दांत, यहाँ पे आप लोग दांत का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, दांत का नाम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी हिंदी और इंग्लिश दोनों देता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा भी एक चैनल है यूट्यूब पे, इन्फो विथ नर्सिंग। ठीक है, वहाँ पे भी हम पढ़ाते हैं, इन्फो विथ नर्सिंग, आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा इन्फो विथ नर्सिंग, नर्सिंग, ठीक है, तो इन्फो विथ नर्सिंग आप लोग जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे, वहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है, मेरा ही चैनल है, सभी लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
बीमारी के संचरण को रोकने का एकमात्र सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एंटीबायोटिक, हाथ धोना, कंडोम, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, केवल क्या हो गया है कि ऑप्शन चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसको भी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दांतों की सड़न रोकने के लिए पानी में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? क्लोरीन, फ्लोराइड, चीनी, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फ्लोराइड। निम्न में से कौन सा शरीर को चलाने में ईंधन के रूप में कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, पानी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर? देखिए, चलाने में ईंधन के रूप में कार्य करता है, इसका मतलब क्या? ईंधन क्या करता है? भोजन पकाता है, और भोजन से क्या मिलता है? हम लोगों को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए जो है कार्बोहाइड्रेट, इसका राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, तो क्या होता है कि जितना यूज होने वाला रहता है यूज होता है, और जो बच जाता है ना वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टोर हो जाता है, उसके बाद जब हम लोगों को उस चीज़ की कमी होती है, ठीक है, उस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट जो है वहाँ पे हम लोगों को काम करता है। ठीक है, काम आता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट हो गया तो ईंधन के रूप में काम आता है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में होता है तो ये ईंधन के रूप में काम करता है। चलिए बीस नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। देखिए, इस टाइप का ऑप्शन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से, और उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए यहाँ पे आप लोग अब लगाइए अपना दिमाग। जो लोग भी पहले से पढ़ रही होंगी मिडवाइफरी, उनको पता है कि इसमें कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है राइट आंसर। जब भी हम बोले आप लोगों को कभी भी समझ में नहीं आए और उपरोक्त सभी दिया हुआ है, एक बात याद रखिएगा, तुक्का उसी क्वेश्चन में लगाना है जिसको हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, अगर क्वेश्चन पता है तो आप लोग जरूर जो पता है वही आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों को जो है फिजिकली, मेंटली, सारी चीज़ से हम लोग जब स्वस्थ रहते हैं तभी हम लोग एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं, और हम लोगों को स्वस्थ जो है इन सारी चीज़ों से रहना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखरेख के लिए आवश्यक है। यानी हम लोगों को जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यकता है? नियमित जीवन तथा उचित पोषण। ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक स्वच्छता और नियमित व्यायाम, समुचित विश्राम, निद्रा और स्वस्थ मनोरंजन, और उपरोक्त सभी। तो लगाइए अपना दिमाग और दीजिए आंसर, क्या होगा इसका आंसर? चलिए ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोगों को जो है सबसे पहले तो अच्छा जो है, आप लोग एक वर्ड सुनी होगी, कपड़ा, मकान और रोटी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ज़रूरत है, साथ में अच्छी जो है अब निद्रा, मनोरंजन, ठीक है, इन चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए।
देखिए, किसी भी चीज़ को जो है एक आदमी को आप लोग क्या कीजिए, उसको जो है एक कमरे में बंद करिए, कर दीजिए सब चीज़ उसको, अच्छा अच्छा खाना दीजिए, अच्छा अच्छा कपड़ा दीजिए, और बाहरी से कोई वातावरण का उससे संपर्क नाता सब तोड़ दीजिए, उससे कोई भी बात नहीं करे, ठीक है, कोई भी मनोरंजन का उसे साधन नहीं मिले, तो क्या वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा? नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेंटली क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, सिर्फ अच्छा खाना और इन सब चीज़ों के लिए ये जो है पर्याप्त नहीं है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक थकान के निवारण का सर्वोत्तम उपाय क्या है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और आंसर कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है घूमना फिरना और टीवी देखना, नींद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हम लोग तो खुद पहले से थके हुए हैं, ठीक है, उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे क्या? नहीं। टीवी देखना है क्या? नहीं। नींद लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आराम करेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का थकान क्या हो जाएगी, थकान जो हो जाएगी वो दूर चली जाएगी, छू मंतर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, स्वस्थ मनोरंजन से सुधार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्यवहार में, पाचन शक्ति में, मानसिक स्वास्थ्य में और रोग में। तो मनोरंजन से क्या होगा कि हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है वो ठीक होगा, रोग नहीं। तो रोग में तो बहुत सारी रोग होता है, जैसे कि टीबी हो गया, कैंसर हो गया, ये सारी क्या है, रोग है। तो इस रोग से, ये जितनी भी रोग है, मनोरंजन से क्या ठीक होगी क्या? नहीं। तो हमारी जो जो भी मेंटली जो डिजीज है वो मनोरंजन से ठीक हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर पे आ चुके हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बचना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए, किस चीज़ों से हम लोग को बचना चाहिए? जब हम लोगों को स्वस्थ रहना है तो किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, कौन सा काम है जो हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्यायाम, ऑप्शन नंबर बी है विश्राम, ऑप्शन नंबर सी है मनोरंजन, ऑप्शन नंबर डी है मादक द्रव्यों से। तो ये अभी तक आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मादक द्रव्यों से, जो भी मादक यानी कि नशीली जो भी द्रव्य है, जैसे कि शराब हो गया, ठीक है, ये भांग, ये सारी क्या है चीज़ें मादक द्रव्य है। तो इन सारी चीज़ों से बचेंगे तो हम लोग का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस 1 मई, 11 मई, 21 मई, 31 मई, कौन सी मई को भाई मनाई जाती है, ठीक है। सभी लोग आंसर करेंगे, रुके हुए हैं, सबका आंसर आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। किस कब मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई, कितना मई को? 31 मई को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यायाम से लाभ है, यानी कि व्यायाम से क्या क्या लाभ है। शारीरिक विकास होगा, कि स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक विकास और उपरोक्त सभी। तो हमारा व्यायाम से क्या लाभ है, तो आप लोग लगाइए इसमें अपना टिक और बताइए आंसर इसका आखिर क्या होगा, व्यायाम से क्या क्या लाभ होगा। तो देखिए, यहाँ पे उपरोक्त सभी जो आप लोगों को दिख रहा है वही आंसर होगा, ठीक है। उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
27 नंबर, पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति उसी को कहा जाता है, यानी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, जो संवेदनात्मक रूप से स्वस्थ, उपरोक्त सभी प्रकार के स्वस्थ। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पिछला आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जिस किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से कौन सा पैदा होता है, ठीक है, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक इसमें अंतर क्या है। कार्बनिक में क्या होता है कि उसमें कार्बनिक कार्बन के तत्व पाया जाता है, अकार्बनिक होते हैं जो जिसमें कि कार्बन के तत्व नहीं पाया जाता है। तो जिसमें कार्बन पाया जाता है उस वस्तु को जलाएंगे तो कौन सा गैस जो है बाहर निकलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और उपरोक्त सभी। इसका आंसर देखिए हम बता देते हैं विथ में, सब साथ में आप लोगों को ट्रिक बताते हैं। देखिए वस्तु दो ही प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। कार्बनिक में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क, और कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे दिख रहा है क। तो कार्बनिक में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा कि जब हम लोग कार्बनिक वस्तु को जलाते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक कार्यों से हुई थकान को दूर करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन केवल चेंज है। तो कार्य करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और भोजन करना चाहिए, इसका आंसर बताइए आप सभी, बताइए कि दैनिक कार्य से थकान को दूर करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए। ये जो है ये कॉमन सेंस वाली बात है, जब हम लोग थकते हैं तो क्या करते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, सबका आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर है, ठीक है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्वचा की स्वच्छता के लिए आवश्यक है, यानी त्वचा हम लोगों की स्वस्थ रहे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, स्वच्छ रहे तो त्वचा को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, धूप में बैठेंगे, तेल मालिश करेंगे, स्नान करेंगे और उपटन लगाना, ठीक है, यहाँ पर उपटन होगा तो उपटन लगाना क्या होगा इसका राइट आंसर, आप सभी बताइए ए या बी या सी या फिर डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा, स्नान करेंगे, ठीक है, स्नान नहीं करेंगे और फिर हम लोग तेल मालिश करेंगे और दिन रात उपटन लगाते रहेंगे तो हमारी क्या होगी, त्वचा स्वच्छ नहीं रहेगी, साफ़ नहीं रहेगी। त्वचा साफ़ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, ठीक है। 31 नंबर, हमें सदैव बचना चाहिए, ये भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, हम लोग को किससे बचना चाहिए, क्या परिश्रम से बचना चाहिए, मादक द्रव्यों के सेवन से, या फिर व्यायाम से, या फिर विश्राम से, किससे बचना चाहिए, मादक द्रव्य राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, मादक द्रव्य से। देखिए व्यायाम और विश्राम और परिश्रम से तो आप लोग को तो ये पता ही होगा, परिश्रम से किसी को बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, ठीक है, परिश्रम सभी को करना चाहिए, परिश्रम जब तक नहीं करिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ठीक है, बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। देखिए जैसे कि आप सभी लोग फॉर्म भरे हुए BTSC 10799 में, इसी में जो परिश्रम करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, ठीक है, यहाँ पे तो सभी बोलते हैं कि जॉब करते हैं टाइम नहीं मिलता, सभी के लिए 24 घंटा ही होता है, सभी के लिए ड्यूटी है, लेकिन उसी में जो परिश्रम करेगा, पढ़ाई करेगा, अपना टाइम सेविंग करके, टाइम मैनेज करके, उसका जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो परिश्रम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और व्यायाम करना भी ज़रूरी है और विश्राम भी करना ज़रूरी है, ठीक है, जब भी काम करते हैं हम लोग थकते हैं तो विश्राम ज़रूरी है ताकि आगे का काम हम लोगों का कंटिन्यू रहे, इसके लिए विश्राम बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्वचा की स्वच्छता प्रतिदिन करनी चाहिए क्योंकि हम लोग त्वचा साफ रोज़ रोज़ क्यों करेंगे, क्यों इसलिए करेंगे, आखिर यहाँ पे उतना टाइम से बोला जा रहा है कि हाँ त्वचा स्वच्छ करना चाहिए, ठीक है, स्वच्छ करना चाहिए, तो आखिर क्यों करना चाहिए भाई, हम लोग क्यों करेंगे, तो इसका कारण हम लोगों को पता होना चाहिए तब ना हम लोग करेंगे। तो इससे शरीर ठीक रहता है, इससे त्वचा का रोग नहीं होता, इससे शरीर कोमल रहता है, इससे भूख अधिक लगती है। तो देखिए भाई भूख का तो कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, वैसे भी हमको तो भूख लगती नहीं है कभी भी, ठीक है। तो चलिए, तो क्या होगा कि
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे त्वचा का कोई भी स्किन डिजीज नहीं होगा। ठीक है, त्वचा साफ नहीं रहेगी, गंदा रखेंगे तो बहुत प्रकार की त्वचा में क्या होगी, बीमारी होगी, खुजली जैसी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए त्वचा को साफ रखना बहुत ही जरूरी है त्वचा के रोग से बचने के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि के समय कपड़े पहनना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए रात्रि के समय। ठीक है, तो कसे हुए ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि रात्रि के समय कभी भी हम लोग ढीले ढाले ही कपड़े पहनने चाहिए। आप लोग देखी होंगी नाइट सूट या फिर नाइट, जो भी नाइट में पहनने वाला कपड़ा जो मिलता है वो ढीला ढाला ही रहता है। ठीक है, तो ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जो कि कंफर्टेबल हो, एकदम कसे हुए में कंफर्टेबल नहीं रहता है कोई भी आदमी। तो रात्रि के समय हमेशा कंफर्टेबल ढीले ढाले ही कपड़े पहनने चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, कि पहनने के कपड़े की सफाई आवश्यक है क्योंकि। ठीक है, जो भी हम लोग डेली डेली कपड़े पहनते हैं तो उसकी सफाई क्यों जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, गंदे कपड़ों में जू पड़ जाते हैं, पसीने की दुर्गंध आती है, त्वचा के रोग पैदा हो जाते हैं, गंदे वस्त्र देखने में अच्छे नहीं लगते। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए आप लोग आंसर बताइए, ए होगा कि बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा के रोग पैदा हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग गंदा कपड़ा पहनेंगे तो स्किन डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है, गंदे वस्त्र देखने में अच्छे नहीं लगते, देखने में और नहीं देखने से कोई यहाँ पे अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन जो है हम लोगों का भी बचा हुआ है, क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निद्रा एक अच्छी प्रक्रिया है क्योंकि। क्योंकि क्या है कि यह शरीर को स्वस्थ बनाती है, शरीर को शक्तिशाली बनाती है, थकावट दूर करती है, स्वभाव को श्रेष्ठ बनाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वभाव को श्रेष्ठ बनाती है, थकावट तो दूर विश्राम से भी हो जाता है, लेकिन निद्रा जो होती है, जब हम लोग निद्रा अच्छी नींद लेती हैं तो हम लोगों को जो मन में चिड़चिड़ापन या फिर ये ऐसा कुछ बीमारी जो होती है वो दूर होती है अच्छी बीमारी से। ठीक है, तो अच्छा श्रेष्ठ स्वभाव के लिए नींद जो है वो बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित आवश्यक है, यानी अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, नियमित व्यायाम, ताज़ा भोजन करना, भोजन समय से भोजन करना और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इन सभी की ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, नियमित व्यायाम करना चाहिए और हमेशा ताज़ा ही भोजन, ढकी हुई ताज़ा भोजन करना चाहिए और समय से करना तो बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बहुत प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो रही है आजकल समय से भोजन नहीं करने के कारण। ठीक है, गैस्ट्रिक की बीमारी तो बहुत ज्यादा हो रही है सभी को। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक कार्यों से हुई थकान को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विश्राम करते हैं। ठीक है, ये पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर, दूषित वायु के सेवन से रोग होता है। ठीक है, आप लोग आंसर बताइए, इन्फ्लुएंजा, खुजली, पेचिस और तपेदिक, क्या होगा, ए बी सी डी, क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा पेचिस। पेचिस बीमारी जो होती है दूषित भोजन जल के कारण से होता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, खसरा रोग
का लक्षण क्या है। खसरा रोग के लक्षण, रोग के लक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि आंसर क्या होगा। गले नाक से स्राव उत्पन्न होना, सिर दर्द, बुखार, माथे व मुंह पे दाने निकलना जो शरीर पे फैलते हैं, और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। खसरा यानी कि मिजिल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मिजिल्स क्या होता है कि यहाँ पे शरीर में दाना दाना जैसा निकल जाता है और फीवर आ जाता है, ठीक है, और सिर दर्द भी रहता है, बदन में भी दर्द रहता है, और गले नाक से स्राव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो खसरा का आप लोग लक्षण याद रखिएगा, ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक रोग अब भारत में नहीं पाया जाता है। कौन सा रोग जो है वो भारत से जो है वो गायब हो चुकी है, ठीक है, भारत जो है इस पे विजय पा लिया है। तो चेचक, इन्फ्लुएंजा, कर्णफेर और डिफ्थेरिया। ए बी सी डी, ठीक है, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णफेर। अभी जो चेचक है ना, इस पे काम चल रहा है कि चेचक को भी हम लोगों को भारत से क्या करना है, हटाना है पूरी तरह से। चेचक यानी कि मिजल्स, ये सब जो बीमारियां हैं इस पे भारत, ये बीमारियां भारत से हटाना है। इसके उन्मूलन के लिए भारत में अभी अभियान चल रहा है, ठीक है। तो वायु दूषित हो जाती है क्यों? आखिर दूषित वायु क्यों हो जाती है? श्वसन क्रिया से, जैविक कार्यों के विघटन से, जलने की क्रिया से, और उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, ए होगा कि बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है मेरे ख्याल से उपरोक्त सभी के द्वारा होगा। यहाँ पे आंसर ए दिया हुआ है जो कि बिल्कुल ही गलत है, ए नहीं होगा, ठीक है। देखिए श्वसन क्रिया से भी तो होती ही है, क्योंकि देखिए हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन 21% और छोड़ते कितना है, मात्र 70%। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गई, घटी ना कमी हुई, और जैविक क्रिया ये सब विघटन से, जलने की क्रिया से तो होती है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ जलाया जाता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली जो चीज़ें होती है वो निकल है वातावरण में बाहर, ठीक है। तो बाहर निकलती है तो इससे क्या होती है, वायु दूषित होती है। तो उपरोक्त सभी के द्वारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर गलत दिया हुआ है। चलिए अब कमेंट बंद कीजिए, यहाँ पे आंसर देखिए कि क्या होगा। इसका आंसर आप सभी लोग देखिए दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, यानी वायु द्वारा कौन सा रोग जो होता है वो नहीं होता है? चेचक, हैजा, डिफ्थेरिया और पेचिस। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो 42 का आप लोग दीजिए आंसर, इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो पेचिस और हैजा तो होता ही है वायु से। यहाँ पे ऑप्शन ए और सी में आप लोगों को क्या होता है, कन्फ्यूजन। तो देखिए डिफ्थेरिया क्या होती है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है, तो यही वायु द्वारा नहीं फैलेगा, ठीक है। जो चेचक है वो तो वायरस द्वारा होता है, तो ये फैल सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ए दिया हुआ है, ठीक है, सी होना चाहिए यहाँ पे, डिप्थेरिया जो होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, तो हैजा दिया हुआ है, इसमें भी आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो चेचक रोग होता है, यहाँ पे ये आंसर दीजिए। चेचक रोग किससे होता है, जीवाणुओं द्वारा होता है कि विषाणुओं द्वारा, वायु के भौतिक गुणों द्वारा कि किसी के द्वारा नहीं होता है, ठीक है।
तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई आंसर दीजिए। एक आंसर इसमें से सही है। अभी बताए हैं कि चेचक किसके द्वारा होता है, तो देखिए चेचक जो है वो वायरस के द्वारा होता है। याद रखिएगा, चेचक वायरस के द्वारा होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नदी, झील और तालाब के जल का सेवन करना चाहिए। नदी, झील और तालाब का सेवन जो है करना चाहिए, यानी कैसे हम लोग उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, नदी, झील और तालाब का आप सभी को पता है पानी जो है वो पीने योग्य नहीं होता है, लेकिन उसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, छान कर, ठंडा करके, घरेलू विधि द्वारा शुद्ध करके, चाहे जैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाहे जैसे भी, ये तो हम लोगों की मर्जी नहीं है भाई। ये ऑप्शन नंबर डी तो काट ही दीजिए। और छान कर हम लोग यूज नहीं कर सकते। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। और ठंडा करके तो कर ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, घरेलू विधि द्वारा, तो घरेलू विधि क्या है, उसको उबाल देंगे। ठीक है, उस पानी को उबालेंगे, उबाल के उसके बाद ठंडा करके उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा गया है, पूछ भी सकता है कि कुएं के पानी का शुद्धिकरण जो होता है हम लोग जब करते हैं तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड और सिरका। हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा, सी होगा, डी होगा। आप लोग आंसर बताइए। ये जो है क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग कुआं को शुद्ध करते हैं, कुएं के पानी को, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे शुद्ध करेंगे, उसमें क्या मिलाएंगे। तो राइट आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए आसवन विधि द्वारा। ठीक है, आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम क्या है। ठीक है, प्राकृतिक जल, मृदु जल, अशुद्ध जल और कठोर जल, क्या है। तो देखिए प्राकृतिक जल तो होगा नहीं। ठीक है, तो इन तीनों में से आंसर बताइए। और कठोर जल क्या होता है, वो तो यूज के लिए, पीने लायक कोई भी के लिए कठोर जल होता नहीं है। तो मृदु जल और आसुत जल में से आप लोग आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर बताते हम, आसुत जल होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बर्तन होता है, यहाँ से हीट इसको दिया जाता है और हीट देने के बाद ये यहाँ पे जो है एक ऐसा जो है नली टाइप का बनाया जाता है, और ये जब हीट दिया जाता है वाष्प बनता है, और वाष्प बन करके उड़ करके और जितने भी ये जल है, शुद्ध जल है, वो वाष्प बन के उड़ के यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और जितना अशुद्ध चीज़ होता है नीचे में बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस विधि द्वारा हम लोग जल को शुद्ध करते हैं। तो इस जल का हम लोग क्या नाम देते हैं, आसूत जल नाम दे देते हैं। ठीक है, आसूत जल, कौन सा जल, आसूत जल। चलिए, नियमित रूप से व्यायाम करने से हमारा शरीर बनना है, यानी नियमित रूप से जब हम लोग व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर जो है कैसा बनेगा। ठीक है, शरीर बनता है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, बनता है होगा। तो जब हम लोग व्यायाम करेंगे नियमित रूप से तो हमारा शरीर कैसा बनेगा, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हम लोग से। पूर्ण स्वास्थ्य परंतु निष्क्रिय, बुद्धिमान परंतु दुर्बल, स्वस्थ और सक्रिय, निष्क्रिय और आलसी। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब भी व्यायाम करेंगे तो आलसी बनेंगे नहीं, दुर्बल भी नहीं बनेंगे और निष्क्रिय भी नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे, स्वस्थ और सक्रिय बोलेंगे। तो देखिए कभी भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन पता नहीं है ना, तो उसको ऑप्शन को आप लोग छांटना शुरू कीजिए कि कौन कौन सा नहीं होगा। अगर दो ऑप्शन भी बच रहा है और दो ऑप्शन में आप लोग टिक लगाइएगा ना, तो उसमें जो है ज़्यादा चांस रहता है सही होने के लिए। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन को भी आइडेंटिफाई कर करके उसको डिलीट करते जाइए, कैंसिल करते जाइए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या हो सकता है। ठीक है,
तो इस तरह से आप लोगों को अगर कोई आंसर नहीं भी पता होगा तो उसका आंसर आप लोग सही दे सकते हैं, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण, ठीक है। हम लोग कैसे जानेंगे किसी भी व्यक्ति को कि वो व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ है? तो आत्मनिरीक्षण वो होगा कि समाजशीलता एवं जीवन में नियमितता, परिपक्वता तथा स्वर्ग जीवन स्वांग परि उपरोक्त सभी लक्षण। तो इसमें ऐसा ऐसा वर्ड दिख रहा है आप लोग को, समझ ही में नहीं आ रहा हो भाई क्या आंसर दे, ये क्या है? समस्याता, परिपक्वता, ठीक है, आत्मनिरीक्षणता। आत्मनिरीक्षण यानी आत्मनिर्भर, अपना जो है खुद का डिसीजन ले सकता है क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को वो निरीक्षण कर सकता है, अपनी कमी ढूंढ सकता है, अपना जो भी आगे का काम है वो खुद से कर सकता है। समाज से यानी कि समाज में कैसे रहना है, समाज को समझने के लिए उसके पास क्षमता है, ठीक है। और जीवन में नियमितता, ठीक है, जीवन के कार्य को अच्छा से कर रहा है। परिपक्वता यानी उसके में मेच्योरिटी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी लक्षण उसके पास होना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे कि वो मानसिक रूप से वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है, ठीक है। देखिए हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन, कि आखिर जो है मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में परिपक्वता का गुण अद्योतक है, यानी मानसिक रूप से स्वास्थ्य के संदर्भ में हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे जानेंगे कि वो व्यक्ति मानसिक स्वस्थ है, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है, ठीक है। प्रौढ़ता का, मानसिक अस्वस्थता का, मानसिक स्वस्थता का, मानसिक विचलन का। तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होगा कि मानसिक स्वस्थता के संदर्भ में परिपक्वता का गुण, यानी मानसिक स्वस्थ है तो इसमें परिपक्वता का गुण क्या है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, मानसिक स्वस्थता का, ठीक है। मानसिक स्वस्थ वो है, ठीक है, मानसिक स्वस्थ है तो उसमें मैच्योरिटी का गुण भी रहेगा, जब तक वो मानसिक स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसमें मैच्योरिटी का गुण नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आज आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग बताइए, इसमें जो है कोई कुछ खास नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट था उसको आपको बता दिया गया है, ठीक है। सरकारी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, टाइम भी नहीं मिल पाया था, इसलिए क्लास आज वो ले नहीं पाए, इसलिए हम ही लिए हैं, ठीक है। बाकी जो क्लास है वो कंटिन्यू होते रहेगा, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, जो भी दिक्कत है वो आप लोग पूछ सकते हैं, बहुत लोग जो है पूछते भी हैं, उनको आंसर मिलता भी है, ठीक है। या फिर नहीं आ रहा है तो आप लोग के पास गूगल है ना, फ़ोन है, तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग खाइए पीजिए, एकदम मस्त रहिए, और जो लोग भी नए जुड़े हुए हैं ना तो वो पिछला क्लास ज़रूर कीजिए, पिछला क्लास आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर ये इसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पिछला वो सारा कुछ पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग शुरू से आप लोग पढ़िए तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो पिछला जो पढ़ा दिया गया तो फिर यहाँ पर तो डिटेल से पढ़ाया नहीं जाएगा ना, तो फिर आप लोगों को ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए ये पढ़िए। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, गुड नाइट सभी को।